अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरह से करेंसी कन्वर्टर बना सकते हैं। लेकिन ये जो करेंसी कन्वर्टर आप देख रहे हैं, ये कोई आम करेंसी कन्वर्टर नहीं है जो कि हमने खुद से फॉर्मूला लगा के बनाया हो। ये रन टाइम पे जो है एपीआई के थ्रू जो करंट एक्सचेंज रेट पे आपके पास वैल्यूज होंगी, वहां से वैल्यूज उठा के आपको एक्चुअल जो कन्वर्जन होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। और इससे पहले मैं आपको सबसे पहले तो ये अपोलॉजीज करना चाहूंगा कि इतने दिनों तक जो वीडियो नहीं आ सकी थी, उसका रीजन ये है कि हमारा एक एक्सपो होने वाला है जो कि 23 से 25 तारीख को होगा। तो तब तक हमारी मेरी जो वीडियोज है वो थोड़ी सी कम आएगी, लेकिन उसके बाद फिर हम स्पीड पकड़ेंगे तो इनशाला जल्दी चीजों को कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये मैंने ओपन किया हुआ है गूगल। यहाँ पे आप देखें तो 10 USD to PKR 2692.74 है। और यहाँ पे अगर हम अपने प्रोजेक्ट में देखें तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम वैल्यूज आपके पास आ रही है, 2692.74। तो ये चीज अब डेवलप करनी है। तो यहाँ पे इसको करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमें एपीआई के बारे में पता होना चाहिए कि भाई एपीआई कौन सी हमें इस्तेमाल करनी है और बेसिकली एपीआई होती क्या है। अब एपीआई की अगर मैं आपको सिंपल वर्ड में बताऊं कि एपीआई क्या होता है, तो एपीआई हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें दो चीजों के बीच में कम्युनिकेशन करानी होती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल एक्सचेंज रेट का अपना एक सिस्टम डेवलप किया हुआ है और यहाँ पे हम अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, तो अब दोनों को अगर हमें दोनों दोनों के बीच में अगर हमें कम्युनिकेशन करवानी होगी तो हम उस सिचुएशन में एपीआई का इस्तेमाल करेंगे जो कि एज अ ब्रिज हमारे यहाँ पे काम करेगी। ठीक है, तो ये सी बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है, इसको आप समझ लें। तो यहाँ पे जो अभी हमें एपीआई इस्तेमाल करनी है उसका नाम है एपीआई लेयर। तो यहाँ पे मैं दूसरे ब्राउजर में आपको दिखा देता हूँ। तो आपने क्या करना है, apilayer.com यहाँ पे आना है। ये बेसिकली यहाँ पे वेरियस APIs अवेलेबल हैं जो हमारे काम की है, वो है एक्सचेंज रेट एपीआई करेंसी जो कि एक्सचेंज रेट से वैल्यूज को उठाएगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, एक्सचेंज रेट डेटा पे यहाँ पे एपीआई पे क्लिक करना है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इनका एक फ्री प्लान है। फ्री प्लान में यहाँ पे आपने आपको कोई भी पैसे वैसे नहीं देने, फ्री फॉर लाइफ टाइम है। लेकिन इसमें यह है कि 250 रिक्वेस्ट आप इस पे भेज सकते हैं मंथली। तो इसको आपने सब्सक्राइब कर देना है यहाँ पे। और यहाँ पे आप अपनी किसी भी आईडी के आईडी से जो है गूगल की या किसी भी आईडी से आप इसको साइन अप कर लें, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। साइन अप करने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से व्यूज आएंगे। इस तरह से आपने डॉक्यूमेंटेशन ऊपर जाके यहाँ पे अगर आप देखें तो डॉक्स लिखा हुआ है, तो डॉक्स पे आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, एपीआई की मिलेगी, ये जो कि आपको नजर आ रही है, इसके थ्रू हम इसको बेसिकली कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एपीआई के बारे में कि एपीआई की आपके पास होनी चाहिए। जैसे आप साइन अप करेंगे तो आपको एपीआई की मिल जाएगी। एपीआई की को कॉपी करने के बाद आपने क्या करना है, डॉक्स के ऊपर क्लिक करना है। डॉक्स में इसके डॉक्यूमेंटेशन, या अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे भी आपको डॉक्यूमेंटेशन नजर आ जाएगी यहाँ पे। तो डॉक्यूमेंटेशन पे आना है, और डॉक्यूमेंटेशन पे हम इसलिए आते हैं ताकि उनका जो कोड है वो हमें मिल सके। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम स्क्रॉल करें तो यहाँ पे देखिए ये डेटा, ये जो कोड है ये इनका पड़ा हुआ है। अब सिंपली हमें क्या करना है, इसको कॉपी करना है। लेकिन इसको कॉपी करने से पहले जो मैंने एपीआई अपनी हमारी जो एपीआई है उसकी की को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और अब मैं सिंपली क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम सिंपली क्या करें, स्क्रिप्ट को ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इसको मैं थोड़ा सा इंडेंट कर देता हूँ प्रॉपरली। ओके, अब सिंपली मुझे क्या करना है, इस जगह पे हमारी अपनी जो एपीआई की है वो हमें लिखनी है। तो इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ कट, और यहाँ पे इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारी एपीआई की यहाँ पे आ गई है। और अब हम इसको थोड़ा सा एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास क्या आउटपुट आ रहा है। और यहाँ पे अगर आप इसके रिजल्ट पे देखें तो control.log रिजल्ट आ रहा है। तो इसका रिजल्ट देखने के लिए यहाँ पे आके मैंने रिफ्रेश किया और राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट पे आने के बाद कंसोल पे मैं आ गया, और यहाँ पे मैं पेज को करता हूँ रिफ्रेश, देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें इस एपीआई के अंदर, तो या लिंक के अंदर जो लिंक यहाँ पे एपीआई की दी हुई है, यहाँ पे इनको हमें दो से तीन चीजें देनी है, एक तो टू, दूसरा फ्रॉम एंड अमाउंट, कि आपको किस करेंसी से किस करेंसी में कन्वर्ट करना है वो वैल्यूज हमें यहाँ पे लिखनी है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टू PKR के पाकिस्तानी रुपये में करें, और फ्रॉम में मैं कर देता हूँ USD, मतलब अमेरिकन डॉलर जो है हमारे पास, और अमाउंट में मैं लिख देता हूँ $5। इसको मैंने सेव किया। और अब अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करें तो देखते हैं कि देखें हमारे पास परफेक्टली आउटपुट आ गया है, जिसमें ये सक्सेस लिखा हुआ है। सक्सेस में हमें ये क्यूरी भी दे रहे हैं और ये सारा जो है डेटा हमारे पास आ रहा है, विच मीन्स कि हमारी जो
रिक्वेस्ट है वो एपीआई के पास चली गई है और वहां से हमारे पास अमाउंट आ चुका है। और यहाँ पे अगर आप देखें रिजल्ट के अंदर तो 1346 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है जो कि पाकिस्तानी रुपीज में है। ठीक है, तो अब ये चीज प्रॉपर वे में बनाने के लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं, एक फॉर्म बना लेते हैं और उस फॉर्म में सबसे पहले एक मैं इनपुट टाइप दे रहा हूँ नंबर, ठीक है, और इसको मैं रिक्वायर्ड कर देता हूँ और ये ऑटो फोकस भी होगा। और इसके अलावा इसके प्लेस होल्डर में हम लिख देते हैं इंटर अमाउंट, ठीक है जी। और फिर हमें यहाँ पे आईडी दे देनी है और इस आईडी में मैं सिंपली ये दे रहा हूँ कि अमाउंट, सिंपल, ठीक है। और दो उसके बाद मैं एक ड्रॉप डाउन बना लेता हूँ बीआर दे के और इसकी आईडी में दे रहा हूँ फ्रॉम करेंसी और इसकी वैल्यूज हम लिख रहे हैं। एक तो होगी आपकी फर्स्ट वैल्यू में मैं फ्रॉम लिख देता हूँ कि फ्रॉम कौन सी करेंसी से, और यहाँ पे दूसरे में ऑप्शंस दे रहा हूँ, एक तो पीटीआर है और इस करेंसी इस एपीआई में आपने जो करेंसी लिखनी है वो 3 डिजिट के जो है वो लेटर्स लिखने हैं, तो यहाँ पे मैं 3 4 दे देता हूँ, इससे ज्यादा आप खुद दे दीजिएगा। एक पीटीआर है, एक यूएसडी है और इसके अलावा हम लिख देते हैं एडी और इसके अलावा हम यूरो लिख देते हैं यहाँ पे, उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है यूआर, ठीक है। सेम तरीके से इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे और यहाँ पे हम एक दफा बीआर लगा देते हैं और इसको प्रॉम्प्ट की जगह पे टू करेंसी कर देते हैं, ठीक हो गया। और इसके बाद हम यहाँ पे एक बटन बना देते हैं और उस बटन की आईडी हम दे रहे हैं, या आईडी नहीं, इसकी आईडी की जरूरत नहीं है, सबसे पहले इसकी मैं टाइप दे रहा हूँ बटन और उसके बाद हम इसका जो ऑन क्लिक है उस पर हम लगा देते हैं कन्वर्ट नाउ, ये हमने एक फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं कन्वर्ट नाउ, ये बेसिकली एक बटन होगा जो आपको वहां पे नजर आएगा। इसका आउटपुट थोड़ा सा देख लेते हैं हम यहाँ पे, तो ये देखिए आपके पास इस तरह से चीजें आ गई हैं, ये इस तरह से फॉर्म आपका बन गया है। फ्रॉम की जगह यहाँ पे मैं कर देता हूँ टू, ठीक हो गया। और अब मुझे क्या करना है, ये जो कन्वर्ट नाउ का फंक्शन है ये हमें बनाना है अपने स्क्रिप्ट के अंदर, तो यहाँ पे हम जल्दी से एक फंक्शन बना लेते हैं। ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था कि किस तरह से आप ये बना सकते हैं। और इसके अंदर हमें क्या करना है, जो ऊपर हमने चीज वैल्यूज फॉर्म की फील्ड्स बनानी है उनको मुझे यहाँ पे लेके आना है, किसने किसी वेरिएबल में रखना है। तो यहाँ पे एक तो मुझे चाहिए अमाउंट चाहिए फ्रॉम करेंसी एंड टू करेंसी, तो यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं लेट अमाउंट इज इक्वल्स टू और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और यहाँ पे मुझे अमाउंट लिखनी है और इसकी जो है मुझे वैल्यू चाहिए। अब जो फॉर्म से वैल्यू आपके पास नंबर्स में आती है वो कन्वर्ट होके आती है स्ट्रिंग के अंदर, तो उनको हमें वापस कन्वर्ट करना होता है किसके अंदर, इंटीजर वगैरह के अंदर। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख रहा हूँ परसेंट, ये क्या करेगा हमारे स्ट्रिंग को कन्वर्ट करेगा नंबर के अंदर। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये भी आपको बता रहा है स्ट्रिंग टू कन्वर्ट इंटू एन नंबर, तो पार्स स्ट्रिंग क्या करेगा, स्ट्रिंग मतलब करेक्टर्स को वर्ड्स को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर, इंटीजर के अंदर। दूसरा जो चीज मुझे चाहिए वो है आपकी फ्रॉम करेंसी एंड टू करेंसी, तो इसको मैं सेम को कॉपी एंड पेस्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे सिंपली हम क्या कर रहे हैं कि फ्रॉम करेंसी को मैंने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे हम लिख देते हैं फ्रॉम करेंसी और फिर यहाँ से हम कॉपी करते हैं टू करेंसी और इसको हम यहाँ पे इस तरह से रख देते हैं। लेकिन जो फ्रॉम एंड टू करेंसी है उनको हमें नंबर्स में कन्वर्ट नहीं है करना, दैट्स व्हाई मैं यहाँ से परसेंट दोनों से हटा देता हूँ क्योंकि ये मुझे वर्ड्स में ही चाहिए, 3 लेटर्स इनके मुझे पूरे चाहिए, ठीक हो गया। ये यहाँ तक हमारा हो गया। अब सिंपली आपने क्या करना है कि ये जो आपका एपीआई का कोड था इसको आपने यहाँ से करना है कट। एपीआई के कोड को आपने समझने की जरूरत नहीं है, एपीआई में मोस्ट ऑफ द केस ये होता है कि आपको चीजों को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन वो एपीआई कैसे बनी हुई है, क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा, वो होता है इम्पोर्टेंट, लेकिन फॉर नाउ आप उस चीज को छोड़ दें। अभी आपका जो फोकस हो वो ये हो कि आपका जो टास्क है वो कम्प्लीट हो के आपको मिल रहा हो, ठीक है। तो ये 3 चीजें हमारे पास आ चुकी हैं, अब इन तीनों चीजों को मुझे पास करना है कहाँ पे,
इन इन जगहों पे, मतलब टू की जगह पे ये वाले वेरिएबल में जो भी वैल्यू है टू करेंसी में वो जाए, फ्रॉम करेंसी जाए हमारी फ्रॉम वाली वैल्यू में, और अमाउंट में आपका अमाउंट जाए। तो ये चीज करने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो टू है यहाँ पे मैंने इसको पीटीआर को खत्म किया, और यहाँ पे मैं डबल कोटेशन को क्लोज कर रहा हूँ, एंट्री ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे दो दफा प्लस प्लस दे रहा हूँ, ये मैं प्रॉपर कॉन्केटनेशन कर रहा हूँ ताकि वेरिएबल को मैं बाहर लिख सकूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लिख देते हैं टू करेंसी। तो ये वेरिएबल बेसिकली मैंने पास किया है और कुछ भी नहीं, पहले हम हार्ड कोड वैल्यू लिख रहे थे और अभी मैंने क्या किया है वेरिएबल पास किया है। और फ्रॉम की जगह पे मुझे इस जगह पे जो यूएसडी है इसको मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ, और डबल कोटेशन को क्लोज किया, एंड देन प्लस प्लस, एंड देन डबल कोटेशन को रीओपन किया ताकि मैं डबल कोटेशन से वेरिएबल को बाहर कर सकूं। सेम चीज मुझे करनी है अमाउंट के लिए, तो यहाँ पे मैंने क्या किया प्लस प्लस, और ये इस तरह से, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अमाउंट, ठीक हो गया आपका। अब अगर हम यहाँ पे आके चेक करें तो यहाँ पे आप देखें करंट वैल्यू क्या आ रही है, $5 की आ रही है। तो इसको मैंने रिफ्रेश किया और यहाँ पे अभी देखें ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ, क्योंकि फंक्शन जब कॉल होगा तो ये अब आपका एग्जीक्यूट होगा। तो यहाँ पे मैंने अमाउंट लिख दी, फॉर एग्जाम्पल 15 फ्रॉम कौन सी करेंसी, यूएसडी से पीकेआर में मुझे करके दे, कन्वर्ट किया। तो ये देखिए हमारे पास वैल्यू आ गई है 4039। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को देखने के लिए कि क्या वाकई में $15 जो है वो कितने रुपीज के बराबर होते हैं, तो यहाँ पे मैंने कर दिया 15 USD टू PKR, तो 4039.12, और ये हमें क्या बता रहे हैं 4039.11। तो पॉइंट के बाद वैल्यूज माइनर जो है वो चेंज उनमें बिल्कुल माइनर आ सकता है, लेकिन जो मेन वैल्यू है 4039, ये आपके पास परफेक्ट आ रही है, ठीक हो गया जी। तो ये इस तरह से हो गया। अब हमें सिंपली क्या करना है कि इस वैल्यू को हमें डिस्प्ले करवाना है यहाँ स्क्रीन पे, बजाय इसके कि हम कंसोल में देखें, क्योंकि यूजर्स को हम वो चीज स्क्रीन पे ही दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें थोड़ी सी चेंजेस करनी होगी, वो ये करनी है हमें कि तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इसको रिजल्ट में आ जाते हैं। तो रिजल्ट में आप देखें तो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट लिखा हुआ है। इस जगह पे हमें सिंपली क्या करना है कि कुछ ऐसा कोड लिखना है कि वो हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले हो। तो इस कोड को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट दे रहा हूँ फॉर ऑब्जेक्ट, ठीक है, ताकि मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना के वैल्यू को पास कर सकूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, लेट कोटेशन इज इक्वल्स टू रिजल्ट डॉट रिजल्ट, बल्कि यहाँ पे काम करता हूँ मैं, इसका नाम थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैं जैसन कर देता हूँ, ये बेसिकली हम जैसन इसमें अप्लाई कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। और यहाँ पे मैं इसको ऐसे जैसन डॉट रिजल्ट कर देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं अलर्ट कर रहा हूँ कोटेशन को, ठीक है। तो अब इसको हम देखते हैं कि क्या अलर्ट में हमारे पास वैल्यू आ रही है। तो यहाँ पे मैंने 15 लिखा, फ्रॉम यूएसडी टू पीकेआर कन्वर्ट नाउ। तो जैसे ही ये आपका एग्जीक्यूट हुआ तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ रहा है, तो देखते हैं क्या इश्यू है यहाँ पे। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है वो टेक्स्ट में आ रहा है, इसको भी मुझे कन्वर्ट करना है जेसन के अंदर इस तरह से। और अब अगर हम यहाँ पे आके इसका आउटपुट देखें तो 15 फ्रॉम यूएसडी टू पीकेआर कन्वर्ट नाउ, तो ये देखिए परफेक्टली आपके पास वैल्यू जो है वो आ चुकी है। अब सिंपली मुझे क्या करना है, कंसोल को मैं यहाँ से ऑफ कर देता हूँ और ये वैल्यू मुझे यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। तो उसके लिए हम सिंपली यहाँ पे क्या करते हैं कि एक हेडिंग 3 हम बना लेते हैं, और इसको मैं आईडी दे रहा हूँ रिजल्ट की, ठीक है। और अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, इस रिजल्ट डिस्प्ले नाम दे रहा हूँ ताकि कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए, इस जगह पे मुझे वो वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या कर रहे हैं, जो अलर्ट हमने लिखा है वहाँ पे डॉम की मदद से डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पे हम पास करते हैं रिजल्ट डिस्प्ले और इनर HTML, और यहाँ पे हम पास कर देते हैं कोटेशन, ठीक हो गया। तो अब अगर हम यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करके देखें, 15 फ्रॉम यूएसडी टू पीकेआर कन्वर्ट नाउ, तो ये देखिए परफेक्टली आपके पास जो है वो वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे आप कोई भी मैसेज वगैरह अगर आप प्रॉपर वे में शो कराना चाहते हैं तो वो भी आप करवा सकते हैं लाइक। इसको मैं प्रॉपर कैसे कर सकता हूँ, जो भी अमाउंट है मैं कुछ ऐसे करवाना चाह रहा हूँ, 15 USD इज इक्वल्स टू जो भी वैल्यू है पीकेआर, इस तरह से मुझे रिजल्ट शो कराना है ताकि वो यूजर फ्रेंडली हो,
ये चीज करवाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दफा हम अपनी अमाउंट का वेरिएबल यहाँ पे कॉल कर लिया, प्लस किया, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी सी स्पेस दी हमने और फिर प्लस दिया, और फ्रॉम करेंसी का जो वेरिएबल है वो हमने यहाँ पे रख दिया और फिर प्लस किया, और यहाँ पे हमने एज इक्वल टू दे दिया और फिर अगेन प्लस किया, और यहाँ पे जो हमारा कन्वर्जेशन है मतलब कोटेशन के अंदर जो वैल्यू है वो आ जाए, और फिर प्लस किया, थोड़ा सा स्पेस दिया, एंड यहाँ पे हमारे पास आ जाए फ्रॉम और टू करेंसी। तो यहाँ पे हम टू करेंसी ऐसे लिख देते हैं। तो अब देखते हैं कि क्या हमारे पास प्रॉपर रिजल्ट आ रहा है। इसको हमने रिफ्रेश किया और यहाँ पे मैंने 20 लिखा। अब फ्रॉम यूएसडी टू पीकेआर कन्वर्ट नाउ, तो देखिए 20 USD इज इक्वल टू 5385.PKR। और यहाँ पे अगर मुझे किसी और करेंसी में करना है, जैसे फॉर एग्जाम्पल 20 AED इज इक्वल टू PKR कितने होते हैं, तो ये देखिए 20 AED आपके 1466 रुपीज के इक्विवेलेंट है। वेरीफाई करने के लिए इसको मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, 20 AED टू PKR, तो ये देखिए 1466 परफेक्टली आपके पास आ रहा है। तो इस तरह से आप बेसिकली काम कर सकते हैं यूजिंग APIs। ये अभी तो हमने स्टार्ट किया APIs के ऊपर काम करना, आगे हम जो है एक्चुअल और चीजों पे जब हम काम करेंगे तो वो हम वहां पे देखेंगे। आई होप कि आपकी इस वीडियो में काफी लर्निंग हुई होगी। तो इस तरह से आप जो है अपनी जबरदस्त किस्म के जो है मिनी प्रोजेक्ट बना सकते हैं। ये बेसिकली मिनी प्रोजेक्ट है जिसमें हम कन्वर्जन कर रहे हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो काइंडली लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।